Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Cricbuzz's YouTube channel and press that bell icon now. अब वक्त आ गया है शो पर जैक आपको बताने का कि पार्थिव ने क्या कहा था, क्या बात कही थी, क्या कहा था उन्होंने शो से पहले ऑफ एयर, और वो सच होता दिख रहा था एक बार फिर से। उन्होंने कहा था आज ना 71वां शतक आ रहा है विराट कोहली का, और एक समय को लगा जैक कि जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे थे आ रहा है, लेकिन फिर एक गेंद जो फंस कर आई, फिर एक एज लगा, फिर वो आउट हो गए। कई बार होता है कि आप अपने खुद के सेट किए स्टैंडर्ड्स के प्रिजनर हो जाते हैं। क्या विराट कोहली के साथ वो हो रहा है, क्योंकि पिछले 8 ODIs में 6 अर्धशतक है उनके। हाँ बिल्कुल, और कंसिस्टेंसी की अगर आप बात करो तो हाँ, उस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी भी की है। सिर्फ वो तीन आंकड़ों के रन संख्या नहीं बना पाए, तो वो एक चीज जरूर रही है। और जिस तरीके से आउट भी हुए ना, मतलब आप अक्सर देखते नहीं हो कि सेट होके बल्लेबाज ऐसे आउट हो जाए। तो एक गेंद ज्यादा घूम गई, जिस तरीके से आप सेट होते हो, आप चाहते हो कि आप गेम को आगे ले जाए, लेकिन 2 बार ये चीज देखने मिली। तो हाँ, इसका मतलब अभी एक्सप्लेनेशन क्या देता है आपको, मतलब इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं। अगर अच्छी गेंद पे अगर आप आउट हो जाते हो, या एक गेंद बहुत ज्यादा घूम गई, तो इसलिए आप अपने आप को भी उतना ज्यादा नहीं कोस सकते। आप गेम के मोमेंटम के साथ साथ चल रहे हो, आप जो अपनी स्वाभाविक शैली है उस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हो। एक गेंद ही लगती है बस बल्लेबाज को आउट करने के लिए, और अनफॉर्चुनेटली उनके लिए वो हो रहा है। वैसे बिल्कुल पार्थिव, कैसे मतलब क्या कहेंगे इसको, क्योंकि आपने जब बोला और उसके बाद में जिस तरीके से वो पारी देख रहा था, मेरा तो दृढ़ निश्चय बन गया था अंदर से कि आज तो सच में वो शतक आ रहा है। आपको भी लगा, आपने बोला जिस तरीके से, लेकिन नहीं आया। लग तो रहा है जी। आप बिल्कुल, जैसे हम बात करते हैं ना कि जैसे ही विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे हैं तो ऐसा लग नहीं रहा कि विराट कोहली अब का शतक नहीं है। जो हम बात करते हैं ना, उन्होंने खुद ही अपना स्टैंडर्ड इतना बड़ा सेट किया होता है, तो वो हम उनको विराट कोहली के स्टैंडर्ड के साथ ही आंकते हैं। इसलिए हमें लगता है कि वो शतक क्यों नहीं आ रहा है, तो उसका जवाब वही है कि बस नहीं आ रहा। अब क्यों नहीं आ रहा है वो किसी को नहीं पता है। जैसे जैक ने कहा कि कई बार सॉफ्ट डिस्मिसल हो जाता है। वो पिछले जब स्वीप मारने गए थे तो मुझे ध्यान नहीं कि कभी विराट कोहली को ऐसे आउट होते हुए देखा है कि स्वीप मारने गए, बॉटम पे लगा, मिड विकेट के हाथ में कैच चला गया। तो जस्ट नहीं आ रहा, इसको आप एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो जैसे हम सब उम्मीद करते हैं, पूरा देश वही उम्मीद कर रहा है कि विरो आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि उनकी बैटिंग की जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही।